हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं वन प्लस के किसी भी स्मार्टफोन पर जिस पर आपके एंड्रॉयड 11 वर्क कर रहा है उस पर कैसे आप कुछ इस तरीके से स्लाइडर पा सकते हैं वॉल्यूम कंट्रोलर के साथ में, और यहीं पर आपको टॉर्च ऑन ऑफ, ब्राइटनेस लेवल कम हाई, ऑटो ब्राइटनेस इनेबल डिसेबल, बैटरी परसेंटेज शो अप, स्क्रीन शॉट, स्प्लिट स्क्रीन, रिंगटोन वॉल्यूम कंट्रोलर, अलार्म वॉल्यूम कंट्रोलर, स्क्रीन टाइम कंट्रोलर, ये सारी चीज़ें कैसे पा सकते हैं उसके बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। परंतु उससे पहले दोस्तों, यहाँ पर अपने डिवाइस की थोड़ी सी साफ़ सफाई कर ली जाए, क्योंकि यहाँ पर कोरोना वायरस के चलते थोड़ा सा इसको सैनिटाइज़र भी दिला दिया जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं, सर्दी का मौसम है और मैंने इसको नहला दिया है कुछ इस तरीके से। अब मैं इसको कपड़ा मार देता हूँ जिससे कि ये बिल्कुल ही साफ़ हो जाए इसकी स्क्रीन, और आप लोग देखें, आप लोगों को देखने को बिल्कुल ही क्लियर मिले। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने इसको बिल्कुल ही अच्छे से रगड़ा मार दिया है और ये डिवाइस यहाँ पर स्विच ऑफ भी हो गया है। इस कारण से इसको थोड़ी सी सर्दी में ज़्यादा सर्दी लग गई है। अब आप देख सकते हैं स्क्रीन इसकी काफ़ी ही क्लियर आपको देखने को मिल रही होगी, क्योंकि अभी अभी ये नहा कर आया है। इसका नहाना धोना हो गया है। अब आगे मैं बात करता हूँ आपसे, तो ये आप एक एप्लीकेशन देख रहे हैं पावर मेनू के नाम से। ये पावर मेनू कंट्रोलर है, इसको आपको डाउनलोड करना होगा कुछ इस तरीके से, नेक्स्ट करना होगा। ये यहाँ पर शो करा रहा है कि क्या कुछ कंट्रोल करेगा, उसके बाद आगे बढ़ते जाना है कुछ इस तरीके से जब तक आपको अपनी मंजिल देखने को ना मिल जाए। इसके बाद आपको ये परमिशन पूछेगा कुछ इस तरीके से, कैन ड्रॉ ओवर एप्स, तो इसकी आपको परमिशन दे देनी है। आपको इस एप्लीकेशन को ढूंढना है इसके अंदर और ये एप्लीकेशन आपको देखने को मिल ही जाएगा। उसके बाद आपको बैक आना है, एक्सेसिबिलिटी ग्रांटेड की परमिशन भी देनी होगी। चिंता करने की कोई बात नहीं है, ये आपकी कोई भी परमिशन की डिटेल्स कहीं पर भी शेयर करने वाला नहीं है। ये ऐसा दंत फंदी इंसान देखने को नहीं मिलता है। तो इसके बाद आपको इससे भी बैक आ जाना है और इन सभी टोंगल में जो जो आपको चाहिए है, आपकी आवश्यकता है, अब मैं समझ सकता हूँ आपकी आवश्यकता बहुत ही ज़्यादा हो सकती है, उसके लिए आप इन सभी को कुछ इसी तरीके से इनेबल करिए। परंतु आप देख सकते हैं ये इनेबल होने के लिए कुछ और मांग रहा है, इसके लिए आप प्रोसीड करिए और उसके बाद फिर से एक्सेसिबिलिटी पर टैप करिए और इस ऑप्शन को स्टॉप करिए। स्टॉप करने से ये रुक जाएगा, बैक आना है, पावर मेनू कंट्रोलर पर फिर से टैप करना है और इसे इनेबल कर देना है। अब आप देख सकते हैं कम्प्लीटली ये इनेबल हो गया है और ये अब कुछ इस तरीके से ये सारे फीचर्स आपके इनेबल कर दिया है। अगर आप पेटीएम का यूज़ करते हैं तो उसके लिए भी आप यहाँ पर इनेबल कर सकते हैं। मैं यूज़ नहीं करता हूँ ऐसे किसी भी एप्लीकेशन का जो मेरे पास से पैसे किसी और को भेजते हैं, तो मैं इसको डाउनलोड नहीं किया हूँ। अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, छोटे मोटे ऐड भी इस एप्लीकेशन में दिखने को मिल जाते हैं। और अगर आप इन शॉर्टकट को यूज़ करना चाहते हैं, इसके लिए आपको डिवाइस रूट करना होगा। फिलहाल में रूट नहीं करते हैं, कुछ इतने ही चीज़ें हम लोग ट्राई करते हैं, क्योंकि श्रद्धा में ही सबूरी है। इसके आगे बढ़ते हुए आपको बैक आना है और इस एप्लीकेशन को यहाँ से क्लोज कर देना है। अब आपको सिंपली पावर की को होल्ड एंड टैप किए रहना है और आपको देखने को मिलेगा डिवाइस कंट्रोलर नाम का ऑप्शन। इस पर आप टैप करेंगे तो आपको पावर मेनू शॉर्टकट देखने को मिल जाएगा। इस पर आप टैप करके जिन जिन चीज़ों के ऑप्शन वहाँ से इनेबल किए थे वो सभी आपको अवेलेबल देखने को मिल जाते हैं। अब आप यहाँ पर जिन चीज़ों को पाना चाहते हैं उन पर टिक कर सकते हैं, वो चीज़ें आपकी सामने देखने को मिलेंगी और उसके बाद सेव कर देना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें अब सामने स्क्रीन पर आ चुकी हैं। अब आप वॉल्यूम मीडिया भी कंट्रोल कर सकते हैं, ब्राइटनेस भी कंट्रोल कर सकते हैं, पूरे शॉर्टकट आपको यहीं पर अवेलेबल देखने को मिल जाते हैं। तो ये सारे शॉर्टकट आपके कुछ इसी तरीके से डिवाइस को यूज करने के लिए दिए गए हैं। तो ये यहाँ पर एंड्रॉयड 11 का एक खास फीचर है, परंतु ऑक्सीजन ओएस नहीं जानता है कि वो अपने अंदर क्या चीज़ें दे रहा है। तो कुछ इस तरीके से आप इस शॉर्टकट का यूज कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बारे में मैंने आपको नहीं बताया, तो इसे आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। पावर मेनू कंट्रोल के नाम से एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगा, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी।
तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की यह मेरी जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। इसके लिए आप हमारी वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, क्योंकि मैं रोज़ाना ऐसी ही वीडियो लाता रहता हूँ। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।